हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस गुरुजी। एसएससी ने बहुत सारी पोस्ट निकाली है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज ये है। एक बार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके जो है एग्ज़ाम के फॉर्म आप 5 तारीख से भर सकते हैं, सितंबर की 5 तारीख, और क्लोजिंग डेट जो है वो 30/9/2018 है। ग्रेजुएशन इसमें रिक्वायर है। इसके अलावा अगर आप 10+2 भी हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। ग्रेजुएशन की पोस्ट अलग हैं, 10+2 की पोस्ट अलग है। टोटल यहाँ पर मैं बात करूँ तो बहुत सारी पोस्ट हैं। एक बात मैं बता दूँ, टोटल 41 पेज का ये नोटिफिकेशन है। अगर कोई बंदा इस नोटिफिकेशन को पढ़कर इसकी जानकारी ले सकता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बकायदा इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इतनी सारी पोस्ट हैं, कुछ एक 10+2 के लिए है, कुछ एक है जो है ग्रेजुएशन के लिए। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं और जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट हैं वो ज़्यादातर पोस्टें जूनियर इंजीनियर की है, यानी कि SSC JEE का इसे एग्जाम का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें 10+2 का भी ऑप्शन आ रहा है। तो ये ग्रेजुएशन वाली पोस्ट हैं, नीचे मैंने जो दिखाई थी वो 10+2 की पोस्ट हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, पढ़ लीजिए अगर आप समझ सकते हैं तो। जो इसको समझना चाहते हैं उस वीडियो को पूरा देखिए। शुरुआत करते हैं किस प्रकार से सारी प्रक्रिया होगी, क्या क्या इस एग्जाम में आएगा। बहुत बढ़िया पोस्ट निकाली है इस बार 2018 में, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल रही है। आई डोंट नो व्हाई ये इतनी क्यों निकल रही है, लेकिन निकल तो रही है। सबसे पहली बात यह है, SSC Online.NIC.in और SSC.NIC.in, ये दो ही वेबसाइट ऐसी है जो ऑथेंटिकेट है SSC की। इसके अलावा तीसरी कोई वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। अगर आप तीसरी कोई वेबसाइट से यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। हालांकि जानकारी नोटिफिकेशन की कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अप्लाई यहीं से होगा। कई वेबसाइट ऐसी है जो वहीं से भी अप्लाई करवा देती है, तो कई बार उनमें गलती हो जाती है। आगे मैं बात करूं तो अलग अलग पोस्टों के लिए रिक्वायर किया है इन्होंने। यहाँ पर जो सबसे पहले दे रखा है वो दे रखा है कैटेगरी वाइज, कि अलग अलग रीजन की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। जो जिस रीजन से फिल करेगा उसका उस रीजन में पोस्टिंग आएगी। तो यहाँ पर रीजन का नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है और पर्टिकुलर वेबसाइट भी दी हुई है। मोर देन वन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक जगह ही कर सकते हैं। SSC ER है, .org है, SSC KKR है, बहुत सारी है। सभी रीजन के, जैसे वेस्टर्न रीजन का है, जैसे साउथ रीजन का है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का है, नॉर्थ रीजन, बहुत सारे रीजन है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। आगे मैं चलूँ तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है जिसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आल्सो। यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में ये सही नहीं डालते हैं तो आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सब कुछ जानकारियाँ जो है SSC आपको मोबाइल और ईमेल आईडी के माध्यम से ही देगा। आगे चलते हैं, डिटेल में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस चीज़ की ये पोस्ट हैं। आगे हम देखें, इसमें आपको नेशनलिटी जो है इंडिया की होना चाहिए, नेपाल भूटान भी चला लेंगे ये लोग। आगे अगर बात करें तो ये महत्वपूर्ण जानकारी ये है, 5 से स्टार्ट होकर 30 तारीख तक आप फॉर्म लगा सकते हैं, आपके पास टाइम है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में देख लीजिए, कैंडिडेट मे नोट दैट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एट। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट किया जाएगा या तो SSC Online.NIC.in पर या SSC.NIC.in पर, नोटिस प्लस अदर में जाकर के आप इसको सबको फिल करना है। आगे यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट जरूर ले लें, वरना दिक्कत आएगी जब ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसका एग्जाम जो है ऑनलाइन ही होगा, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जो दिया हुआ है, एज कितनी होनी चाहिए और उसके लिए बताया गया है, उसका रिलैक्सेशन क्या क्या होगा, इसके नीचे जानकारी दी है। सबसे पहले बात करें प्रूफ ऑफ एज क्या होगा, आपकी 10th की मार्कशीट जो है प्रूफ ऑफ एज मानी जाएगी, यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होता है। एज रिलैक्सेशन जो है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होगा, यहाँ पर सबके बारे में दिया हुआ है। ST SC अगर आप हैं तो 5 साल का रिलेक्शन है, OBC हैं तो 3 साल का है। यहाँ पर PWD लिखा हुआ ये है तो आप 10 साल का रिलेक्सेशन मिल जाएगा। PWD प्लस OBC है 13, PWD प्लस ST SC हैं तो आपको मिलेगा 15 साल का रिलेक्सेशन। एक्सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का है। अब सीधे सीधे अपन बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है, किस प्रकार से होगा। एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और जिस रीजन से आप अप्लाई करते हैं वहीं से एंटर आने की संभावना है। आगे हम बात करें, ऑल कैंडिडेट हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन ऑर्डर विल बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन। कुल मिला के यही है कि जिसने फॉर्म लगाया उसको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। सीधी सी बात है, उसको ही बुलाया जाएगा, दूसरों को क्यों बुलाएंगे। इसकी जो फीस है वो फीस 100 रुपये है फॉर्म की, और
आपका जो स्कीम होगा, चार सब्जेक्ट हैं, 25 25 25 25, चार बार 25 क्वेश्चन आएंगे, एक घंटे का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, उसके अलावा आपको 60 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के जो आती है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसका आधा नंबर आपका कटेगा, आधा नंबर कटेगा यानी 50% नंबर कटेगा। तो आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? आधे नंबर का। तो ये अगर आपने गलती किया तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। ध्यान रख लेना, इसमें जो कट ऑफ होगी, जो माइनस मार्किंग होगी, वो होगी 0.5%। आगे चलते हैं, आगे अपने पास आता है जनरल इंटेलिजेंस के सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस के सिलेबस, सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसको डाउनलोड करके सिलेबस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन इसके अंदर है, अलग अलग सिलेबस अलग यहाँ पर है। अगर आगे मैं बात करूँ तो आगे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी हुई है जिसको आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो है जो आपको लगानी है। फॉर्मेट फॉर द STST जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए, आगे हम बात करें, अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनके, तो ये फॉर्मेट जैसे जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके साथ साथ आप लगा लें। अब सीधे सीधे आ जाते हैं किस किस की पोस्ट है यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन के लिए देखिए तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट सबसे ज़्यादा है, हर एक जगह पर जूनियर इंजीनियर मांगा हुआ है। कोई सी पोस्ट आप देखें, ग्रेजुएशन प्लस जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, व्हीकल का हो सकता है, कंप्यूटर का हो सकता है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का हो सकता है, आगे आगे डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट भी यहाँ पे मांगा गया है, IA की भी पोस्ट इसके अंदर है, लाइब्रेरी और IA की पोस्टें भी यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। कुल मिला के बहुत सारी पोस्टें इसके अंदर है, सब एडिटर हिंदी और सब एडिटर इंग्लिश की भी पोस्टें यहाँ पर हैं, देख लीजिए आप, हिंदी और इंग्लिश, तो ये भी यहाँ पर हो जाता है। आगे हम बात करें, जियोग्राफर की पोस्टें हैं और हिंदी टाइपर की पोस्टें हैं, सीनियर हिंदी टाइपर के लिए भी यहाँ पर ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। आगे मैं बात करूं, अकाउंटेंट की पोस्टें हैं और उसके बाद अगर अपन चलें तो 10+2 की पोस्टें स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी पोस्टों के बाद 10+2 आता है, देख लीजिए। फोटोग्राफर असिस्टेंट मैप के, कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिए हुई है, फोरमैन के लिए है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है, स्टॉकमैन के लिए है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी पोस्टें हैं। तो कुल मिला के सारी पोस्टों की जानकारी लेकर के आपको जो लगे उसमें आप भर सकते हैं। अभी इसका नोटिफिकेशन जस्ट आया ही है तो इसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पा रहा हूँ मैं इतना आपको, लेकिन अब इसको पूरी जानकारी मैं बता दूंगा, अगली वीडियो आते रहेंगे अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो, कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए और कौन कौन सी पोस्ट के लिए नहीं करना चाहिए, और बाकी और प्रोसेस क्या होगा एग्जाम का, किस प्रकार से आपको फाइट करना है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है इसलिए इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है मैंने, लेकिन फिर भी बहुत सारी जानकारियाँ अभी इसमें हैं, तो आप इसको डाउनलोड करें और पढ़ें तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीश गुरुजी के साथ। कोई भी डाउट हो निसंकोच आप कमेंट में आपका क्वेश्चन लिखिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। डेली हम एक अच्छी वैकेंसी की जानकारी आपको देते रहते हैं, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।